Okay, so that was all about Chambal Wildlife Sanctuary. अगर आप मेरे से पूछोगे then this place should be in your must visit list. अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो या लवर हो then this place is kind of in heaven for you. एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर towards ग्वालियर, I would say, बोटिंग सफारी और ये चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से there is one eco tourism park है. Eco Park उसे usually बोलते हैं, that lands up in Morena. तो वहाँ पे क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग सेंटर है. So if you are interested, you can visit that as well, क्योंकि अभी हम वही देखने जा रहे हैं. इको पार्क का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई अम्यूजमेंट पार्क होगा, पर नहीं. इको पार्क एक्वाटिक रेप्टाइल्स का एक ब्रीडिंग सेंटर है जो कि ग्वालियर से 50 किलोमीटर दूर मोरेना डिस्ट्रिक्ट में है. यहाँ आपको घड़ियाल, इंडियन मगर और टर्टल्स के बर्थ से लेकर मेच्योरिटी तक के लाइफ साइकिल को देखने का चांस मिलता है. अगर आप एक वाइल्ड लाइफ लवर हैं या फिर रिसर्चर हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी. इको पार्क मुरैना का एक ही मकसद है, इन रेप्टाइल्स को जीने का एक मौका देना. क्लाइमेटिक चेंज और नदी में बढ़ते हुए पॉल्यूशन के अलावा इन रेप्टाइल्स को पोचर्स यानी तस्करों से भी जान का बहुत बड़ा खतरा होता है. एक तरह से ये पार्क इन रेप्टाइल्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर का काम करता है. बचपन से लेकर बड़े होने तक इन्हें यहाँ रखा जाता है और उसके बाद इन्हें चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है. चंबल नदी में जिस रिवर सफारी का हम मजा लेते हैं उसमें इको पार्क मुरैना का एक बहुत बड़ा रोल है. घड़ियाल और मगरमच्छों को यहाँ खाने में मछली दी जाती है और अगर आप लकी हुए तो आप इन्हें मछली खाते हुए, सोते हुए और एक दूसरे से मस्ती करते हुए भी देख सकते हैं. आज तक जिन रेप्टाइल्स को आपने सिर्फ मूवीज में देखा है, इको पार्क आपको चांस देता है इन रेप्टाइल्स को नज़दीक से देखने का, तो ये चांस मिस मत करना. एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर कोई सवाल हो या वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करना. That was the quick glimpse of Eco Park Morena. मेरे से अगर पूछोगे तो पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट द पार्क इज़ लाइक रियली रियली क्यूट, क्योंकि इन रेप्टाइल्स को इनके छोटे वाले फॉर्म में देखना, लाइक द बर्थ फॉर्म में देखना, मतलब मैंने पहले कभी ऐसा ज़िंदगी में देखा नहीं था और इतने सारे थे, तो मेरे को तो बड़ा पसंद आया. एंड अगर आप मुरैना आ रहे हो एंड इफ यू आर गोइंग टू चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू विजिट इको पार्क विच इज़ नॉट रियली फार फ्रॉम दैट प्लेस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. द अनदर रीज़न आई वुड लाइक टू से ग्रेट जॉब बाय द गवर्नमेंट की जो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी के पास में उन्होंने दिस हैबिटेट और आई वुड से इको पार्क उन्होंने बनाया है, तो ये भी बहुत बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास कोई ब्रीडिंग सेंटर है. और जो ये जो वाटर वाइल्ड लाइफ है इसको प्रिजर्व करने के लिए आई वुड से कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है. तो यस, आज के दिन में बस इतना ही था. अगर आपको वीडियो में अभी तक कुछ भी पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बटन दबा दो. तो इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम, यहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम. लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा एंड डू रिमेंबर एंड इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी. फिर मिलेंगे.